चाईबासा जिले में पथलगड़ी का विरोध करने वाले 7 लोगों की हत्या कर दी गई। पथलगड़ी समर्थकों ने इन सभी को पश्चिम सिंहभूम के गुलीकेरा गांव में रविवार को अगवा कर लिया था। बता दें कि एडीजे मुरारी लाल मीना ने बुधवार को बताया कि 19 घंटे के सर्च ऑपरेशन के दौरान अति नक्सल प्रभावित गुलीकेरा गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में इनके शव मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। हालांकि सरकार बनने के बाद उन्होंने पथलगड़ी समर्थकों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने की बात कही थी। बॉटम के लिए भेजा गया है, पुलिस एंड सीनियर पदाधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं और अभियुक्तों की पहचान कर उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। देखिए, अभी इस स्तर पर ये कुछ भी कहना संभव नहीं है कि पथलगड़ी से हुआ है, नक्सली इंसिडेंट है या आपसी रंजिश है, लेकिन ये कह सकते हैं कि दो गुटों के बीच में, उस गांव में दो गुटों के बीच में विवाद था और वो विवाद फाइनली इस 7 आदमी की हत्या में पड़ी। हाँ, कुछ लोग चिन्हित हुए हैं, उसमें से कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है, लेकिन हम लोग उसका नाम अभी इस लेवल पर नहीं दे सकते हैं। पश्चिम सिंहभूम पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माता ने कहा कि पुलिस ने इस सूचना को बड़ी ही तत्परता से लिया है और पुलिस की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों में रोष नहीं दिखा। मरने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है। पुलिस को एक सूचना मिली थी अपराह्न में कि गुलीकेरा गांव में जो है 7 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस आसूचना को बहुत ही तत्परता से लिया और जिला पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम जो है इस घटना के सत्यापन के लिए तुरंत जो है अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद इस क्षेत्र में अपराह्न में रवाना हुई। रवानगी के पश्चात वहां पर सर्च ऑपरेशन जब चलाया गया तो चूंकि रात हो गया और ग्रामीणों का उस तरह का सहयोग नहीं कल सर्च ऑपरेशन में मिल पाया भाषा की समस्या और अन्य समस्याओं के कारण, तो पुलिस ने जो है अपना सर्च अभियान जो है आसपास के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में जारी रखा। रात में पुनः जो है हम लोगों ने खुद स्वयं DC साहब भी यहाँ पर लोढ़ाई आ गए थे, मैं खुद लोढ़ाई में कैंप करके सारा चीज़ मॉनिटरिंग कर रहा था। पुनः हम लोग रात में सारे रिसोर्सेज को एक बार जमा करके सर्च ऑपरेशन को हम लोगों ने पूरा किया और सवेरे जो है हम लोगों ने डॉग स्क्वाड भी मंगाया और जो भाषा का जो एक अनुवादक होते हैं उनको भी हम लोगों ने अपनी जो पुलिस फोर्स में हमारे बहाल जानकार जो होते हैं उनको भी हम लोग अपने फोर्स में रखे और फिर हम लोगों ने जो है डॉग स्क्वाड और उनकी मदद से और ग्रामीणों ने भी काफ़ी इसमें कुछ ग्रामीण थे जिन्होंने हमारी मदद की और उनके सहयोग से जो है डेड बॉडी को सामने के जंगल में जो है बरामद किया गया। वहीं पश्चिम सिंहभूम उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि अगर कोई विशेष सहायता के लिए राज्य सरकार निर्णय लेती है तो उनके लिए ग्रामीण को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ग्रामीणों का कहना था कि हमारा विकास बहुत हो गया, अब हमें अपना राज्य चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि विक्टिम कम्पनसेशन का प्रावधान रहता है, कोई भी मर्डर केस होता है या कोई रेप केस होता है उसमें विक्टिम कम्पनसेशन करके एक प्रावधान होता है। इसमें जालसा का एक कमेटी बना हुआ है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के अध्यक्ष होते हैं, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के सदस्य होते हैं। जल्दी से जल्दी जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको विक्टिम कम्पनसेशन का लाभ देने के लिए हम प्रयास करें और विशेषकर कुछ और भी सहायता के लिए अगर प्रावधान है या कुछ राज्य सरकार का निर्णय लेगा तो उसके बारे में हम लोग अवगत कराएंगे संबंधित और लाभ पहुँचा। सर, आप तो गांव में थे तो विकास का कभी मुद्दा नहीं आया था, तो कुछ ग्रामीण बोल रहे थे कि हमको विकास बहुत मिल गया है, अब हमको अपने अपना राज्य चाहिए, तो ये एक इंडॉक्ट्रिनेशन में मानता हूँ कि इस तरह का मिसलीड किया गया है। इनफैक्ट हम लोग थोड़ा सरप्राइज भी हुए कि वैसा कई सारे घर में AC भी देखने के लिए मिला है, LED TV भी किसी का डैमेज होकर हम लोग मिला है और हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ हर घर में, फिर विकास और होना भी बाकी है क्योंकि क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दुर्गम है और अभी आप देख भी रहे हैं तो रोड भी कनेक्टिविटी सुनवा से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस गांव में स्कूल भी है, आंगनबाड़ी भी फंक्शनल है। कभी विकास के साथ इसको जोड़ना मैं मानता हूँ कि क्राइम को थोड़ा ओवर स्ट्रेचिंग है। जिस तरह नई सरकार ने पथलगड़ी पर दर्ज मामले को वापस लिया था से अंदाजा लगाया जा रहा था कि पथलगड़ी का मामला प्रदेश में शांत हो गया है, लेकिन चाईबासा की घटना ने सरकार के फैसले पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।